नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 13 मई को आने वाले नतीजों को अपने हक में लाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के सभी टॉप लीडर्स अपनी अपनी पार्टियों का जमकर प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी राज्य पहली बार प्रचार अभियान शुरू करने वाली हैं। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सोनिया गांधी 6 मई को अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। इस दौरान वो हुबली जिले में एक रैली को संबोधित करेंगी। वो लंबे अरसे बाद किसी चुनाव प्रचार में नजर आने वाली हैं। वहीं उसके अगले दिन यानी 7 मई को राहुल गांधी बेंगलुरु में एक रोड शो करने वाले हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बेंगलुरु में ही उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। विधानसभा चुनाव में सिर्फ 7 दिनों का समय बचा हुआ है और 8 मई को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा। ऐसे में कांग्रेस भी वोटर्स को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं हुबली क्षेत्र की बात की जाए तो ये क्षेत्र पार्टी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टार हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। शेट्टार लिंगायत समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं और इनका इलाके में प्रभाव भी है। अगर इस क्षेत्र में सोनिया गांधी चुनाव प्रचार करेंगी तो पार्टी को फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। आपकी इस मामले पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।